हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो रेमेडी है वो है समर स्पेशल रेमेडी और मॉनसून स्पेशल रेमेडी। दोस्तों, अगर आपके फेस पर सन बर्न हो गया है तो ये पैक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल पैक है। अगर आपके फेस पर मुहासे निकलते हैं जो दिन भर बैक्टीरिया वगैरह हमारी स्किन पर आ जाते हैं और उसकी वजह से हमारे फेस पर बहुत ज़्यादा मुहासे निकल आते हैं, तो ये पैक इसमें भी बहुत हेल्प करेगा। आपके फेस के मुहासों को पूरी तरह से हटा देगा और आपके फेस को कूलिंग इफेक्ट देगा। ये पैक जो है बहुत ज़्यादा कूल पैक है, इस समर में बहुत ज़्यादा स्पेशल पैक है। आपके फेस पर जो चिपचिपापन आ जाता है उसे भी ये दूर करेगा, आपकी स्किन को एकदम सॉफ्ट बनाएगा, आपकी स्किन से जितनी भी डर्ट है उसे निकाल कर दूर करेगा और आपके फेस को ग्लोइंग बनाएगा। दोस्तों, ये पैक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल पैक है इस समर में और इस मानसून के मौसम में, क्योंकि बारिश के मौसम में हमारे फेस पर बहुत ज़्यादा चिपचिपापन हो जाता है, उससे हमारे फेस पर पिंपल्स वगैरह निकलना बहुत ही आम बात है। दोस्तों, ये पैक हर स्किन टाइप के लिए है, चाहे ड्राई हो चाहे ऑयली स्किन वाली हो, ये हर स्किन टाइप के लिए है। अगर ऑयली स्किन वाले हैं तो उनकी स्किन पर ये ऑयल बिल्कुल भी नहीं आने देगा। दोस्तों, ये जो पैक है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव पैक है, आप इसे ज़रूर यूज़ करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेमेडी को। मैंने एक बोल लिया है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच उड़द की दाल। हमें इस दाल को रात भर भिगोने के लिए रखना है ताकि हम इसका एक अच्छा सा पैक बनाकर तैयार कर सकें। हमें इसे इतना भिगोना है ताकि ये पानी में अच्छे से डूब जाए। अब ये इस तरीके की भीग कर तैयार हो चुकी है, मैं इसे पूरी रात के लिए भिगोकर रखा हुआ था। अब मैं इसके पानी को और दाल को अलग अलग कर लूँगी। इस तरीके से हम इसे ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद हमें एक बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बनाकर तैयार करना है, बहुत ही ज़्यादा बारीक पेस्ट बनाकर तैयार करना है ताकि ये क्रीमी फॉर्म में तैयार हो जाए, हमारे पेस पर आसानी से लग जाए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून के करीब दही। दही हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है, हमारी स्किन पर लाइट एंड ब्राइटन लुक देती है। ये हमारी स्किन पर जितने भी खाली परत जो जमी होती है उसे हटाने में हेल्प करती है। अब मैं यहाँ पर लूँगी गुलाब जल। मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून गुलाब जल लिया है। गुलाब जल हमारी स्किन को ग्लो देने में हेल्प करता है, हमारी स्किन पर जितने भी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है उसे हटाने में हेल्प करता है, हमारी स्किन को टाइट करता है गुलाब जल। ये पैक जो है हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैक है और इन समर्स में जिनकी स्किन ऑयली है उनके फेस पर काफ़ी ज़्यादा ऑयल आ जाता है, जिससे क्या होता है कि स्किन पर पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो ये पैक उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वैसे ये पैक हर स्किन टाइप के लिए है, ड्राई स्किन वाली हो चाहे ऑयली वाली हो, कोई भी इसे लगा सकते हैं। अगर ऑयली वाली है तो उनकी स्किन पर ये बिल्कुल भी ऑयल इकट्ठा नहीं होने देगा और ये हमारे पोर्स को क्लीन करेगा। मैं इस तरीके से इस पैक को अपने फेस पर अच्छे से लगाऊंगी। फेस पर इस पैक को अच्छे से लगाने के बाद फिर मैं इसे कम से कम 5 मिनट की मसाज दूंगी ताकि हमारी जो फेस है उससे अच्छी सी मसाज मिल जाए, तो हमारा फेस जो है अच्छे से टोन हो जाएगा। हमारे फेस का ब्लड सर्कुलेशन मसाज से अच्छा होता है, तो हम इसे काफ़ी अच्छी सी मसाज देंगे। इस तरीके से मैं अपने फेस को मसाज दूंगी सर्कुलर मोशन में, एक बहुत ही अच्छी सी मसाज देनी है। इस तरीके से आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से मसाज कर रही हूँ, इसी तरीके से आप लोग मसाज कीजिए अपने फेस की, आपके फेस का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव होगा और आपका फेस जो है ग्लोइंग बनेगा, आपके फेस पर जितनी भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएंगी। इस तरीके से मैं कम से कम 5 मिनट की अपने फेस को मसाज दूंगी। इससे क्या होगा कि हमारे जो फेस पर जितनी भी काली परत जमी होती है वो इस पैक से दूर हो जाएगी। ये जो उड़द की दाल है हमारी स्किन को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। हाथों पर भी काफ़ी ज़्यादा सनबर्न की प्रॉब्लम होती है, जो ओपन एरिया होता है उन पर सनबर्न की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो मैं ये पैक हाथों पर भी लगाऊंगी। और 10 से 15 मिनट के बाद मैं इसे नॉर्मल पानी की हेल्प से धो लूँगी। तो देखा दोस्तों, इस पैक को
बनाना कितना ज़्यादा सिंपल है। दोस्तों उड़द की दाल हमारी हेल्थ के लिए तो अच्छी होती है क्योंकि एक प्रोटीन का स्रोत है, तो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है। जब हम इसको खाते हैं तो हमें प्रोटीन मिलती है। अगर हम अपने फेस पर यूज़ करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इससे उड़द की दाल के इस पैक से हमारे जो फेस पर सनबर्न की प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाएगी। हमारे हाथों पर, स्किन पर, जहाँ भी सनबर्न की प्रॉब्लम है, आप इस पैक को वहाँ पर ट्राई कीजिए तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपकी स्किन से जितने भी पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम है वो एकदम दूर हो जाएगी और आप इस पैक को ज़रूर यूज़ करना चाहेंगे। दोस्तों ये पैक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल पैक है, मैं इससे कहूँगी कि आप इस पैक को ज़रूर यूज़ करें। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी अगर आप मेरे बेल आइकन को प्रेस करेंगे। दोस्तों तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।